चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग। और आज हम देखते हैं कि डायोड की बायसिंग क्या होती है, बायसिंग से क्या तात्पर्य होता है, बायसिंग कितने प्रकार की होती है, यह हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहले टॉपिक का यहाँ पर नाम लिख दिया जाए। आज का हमारा टॉपिक है बायसिंग। बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, वो बायसिंग ऑफ डायोड, ठीक है। आज हम डायोड की बायसिंग पढ़ेंगे। तो देखिए, कल मैंने आपको डायोड के बारे में बताया था कि डायोड जो होता है वो सिंपल एक पीएन जंक्शन होता है ना, एक तरफ पी टाइप और दूसरी टाइप एन टाइप मटेरियल को मिला करके और पीएन जंक्शन का निर्माण किया जाता है। एक तरफ पी टाइप मटेरियल होता है, एक टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो जो टर्मिनल्स बना दिए जाते हैं और इस तरह से एक डायोड का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब ये जो डायोड है, इस डायोड का देखिए हम इतना जो बड़ा सिंबल जो है सर्किट बनाते समय समझाते नहीं यूज करेंगे। सर्किट में आप लोगों को एक छोटा सिंबल होता है, तो ये इस तरह का सिंबल हम डायोड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये दिखाता है एनोड को और दूसरा होता है कैथोड के लिए, ठीक है। तो इस तरह से डायोड का सिंबल बनाया जाता है, ठीक है। ये सिंबल आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि तो अब जब भी सर्किट में डायोड के बारे में पढ़ाया जाएगा तो केवल ये जो नीचे वाला जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये वाला सिंबल हम लोग डायोड के लिए यूज करेंगे, ठीक है। ये उसका सर्किट सिंबल है, ठीक है। तो देखिए बायसिंग का मतलब क्या होता है। बायसिंग का मतलब सिंपल भाषा में यदि आप बहुत ही रफली यदि समझें तो बायसिंग का मतलब होता है कनेक्शन करना, ठीक है। बायसिंग का मतलब आप समझ सकते हैं कनेक्शन करना, है ना, ठीक है। देखिए हमने नॉर्मली क्या अभी तक रेजिस्टेंस वगैरह का सर्किट में उपयोग किया है ना। रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि रेजिस्टेंस के लिए कोई एनोड कैथोड नहीं होता है। उसमें किसी भी साइड को प्लस टर्मिनल से बैटरी के और किसी भी साइड को नेगेटिव टर्मिनल से आप इंटरचेंज करके लगा सकते हैं, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी पॉजिटिव सप्लाई दे सकता हूँ या इधर भी पॉजिटिव सप्लाई दे सकता हूँ, ठीक है, अल्टरनेटली, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इस डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। जो डायोड में से करंट फ्लो होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि हम किसी भी तरफ से इसमें बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लगा दें तो जो करंट फ्लो होगा वो सेम होगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जो सर्किट मैंने बनाया है इस सर्किट के अनुसार, यदि मान लीजिए जैसे मैंने सिंबल में दर्शाया हुआ है, यदि यहाँ में हम पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं और यहाँ नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस में जो करंट होगी फ्लो होगी, मान लीजिए इसका मान जो है आई एम्पियर है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस तरफ से करंट फ्लो होगी, लेकिन इसका जो मान होगा इसे आई एम्पियर, या अगर शब्दों में इसे मैं वैल्यू देना चाहूँ उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए इसमें से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है ना। जब इसमें हम जो है ए टर्मिनल को पॉजिटिव सप्लाई से और बी टर्मिनल को नेगेटिव प्लेट से जोड़ रहे हैं, तो इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यदि हम इस सर्किट में बैटरी की जो पोजीशन है, बैटरी के जो कनेक्शन है यदि हम उन्हें बदल भी दें, यदि बैटरी के कनेक्शन हम लोग बदल भी दें तो भी हम लोग देखेंगे यदि यहाँ पर जो बैटरी है इसके कनेक्शन यदि हम लोग बदल देते हैं, ठीक है, इसके कनेक्शन हम लोग बदल देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बैटरी का जो पॉजिटिव प्लेट है वो लगा देते हैं और इस तरफ नेगेटिव प्लेट लगा देते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी आप लोग देखेंगे कि सर्किट में से अभी भी जो करंट फ्लो होगी उसका मान जो है वह जो है 5 एम्पियर ही रहेगा। ये 5 में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए ना, वरना ये जो वेरिएबल राशि होती है
इसको हम लोग चर राशि को आई से दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कोई एक इंग्लिश का स्मॉल लेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखें कि जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस में हम टर्मिनल, अगर रेजिस्टेंस को सर्किट में किसी भी तरफ से लगा दें, उसके किसी भी टर्मिनल को प्लस से और माइनस से जोड़ दें, तो उसमें जो करंट का फ्लो है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, दोनों कंडीशन में सर्किट में से करंट जो है सेम करंट फ्लो हो रही है, या इसके जो टर्मिनल पे वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है रेजिस्टेंस के वो सेम है ना, ठीक है। लेकिन जब डायोड का हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जब डायोड की हम लोग बात करते हैं, तो डायोड का यूज करते समय आपको, इसके कनेक्शन करते समय आपको इसके टर्मिनल्स का ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो करंट का फ्लो होता है ना, जो पीएन जंक्शन डायोड है, इस डायोड में से जो फ्लो होने वाली करंट है, इसमें से फ्लो होने वाली जो करंट है वह निर्भर करती है कि आप ये पीएन जंक्शन को बैटरी से किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसे आप लोग बैटरी से किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए, यदि मान लीजिए हम ये जो ए टर्मिनल है या पी टर्मिनल है, जो पी साइड है, ये जो पी साइड है, यदि इसे हम बैटरी के यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल से और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, इस तरह से यदि इसको कनेक्ट किया जाता है, तो इस तरह से कनेक्ट करने से ये जो डायोड है, इस डायोड में किसी भी प्रकार के करंट का फ्लो नहीं होता है। आदर्श कंडीशन में हम लोग बात कर रहे हैं कि यदि हम लोग डायोड की पी टर्मिनल को, यानी कि पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगा देते हैं, तो इस डायोड में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक है। यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाएगी जीरो, इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, ठीक है। इसीलिए हम ये जो कनेक्शन होता है, इस तरह का कनेक्शन बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है, नहीं के बराबर ही इसको यूज किया जाता है, ठीक है। ये जनरली जीनर डायोड में इस तरह के कनेक्शन होते हैं, और जीनर के बारे में हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके कनेक्शन के बारे में, यानी कि बायसिंग के बारे में समझ रहे हैं, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डायोड को और किस तरह से कनेक्ट किया जा सकता है। तो देखिए, अब यदि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा डायोड है, इस डायोड में जैसे मान लीजिए ये पी टाइप मटेरियल है और एक तरफ एन टाइप है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर दो टर्मिनल लगा दिए हैं, दो टर्मिनल लगा दिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसकी जो पी साइड है, ठीक है, इसकी पी साइड को, पी टर्मिनल वाली साइड को यदि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए, है ना, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है इसे हम लोग एन साइड से जोड़ देते हैं, तब हम लोग देखते हैं कि इस पूरे सर्किट में से एक नेट करंट जो है वह फ्लो होने लगती है, इस पीएन जंक्शन में से एक करंट फ्लो होने लगती है, ठीक है। मान लीजिए इसका मान जो है वह 5 एम्पियर है, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं केवल उदाहरण दे करके वैल्यू लेकर के समझाता हूँ, क्योंकि जो वास्तविक वैल्यू होती है उनके द्वारा समझना आसान होता है, वो जबकि काल्पनिक वैल्यू के द्वारा समझना जो थोड़ा कठिन होता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ डाटा लेकर के दिखाता हूँ। लेकिन आप लोग इसको ध्यान रखें कि ये जो करंट वगैरह होती है यह बैटरी
के वोल्टेज पर वो पीएन जंक्शन डायोड पर डिपेंड करती है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी करंट रेटिंग कितना है, ये सब बातें पर निर्भर करता है कि डायोड में से कितनी करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो देखिए आपने देखा कि अभी हमने दो प्रकार से यहाँ पर डायोड के कनेक्शन किए हैं। यह पहला वाला जो कनेक्शन है इसमें कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को पी साइड से जोड़ा गया है और पॉजिटिव टर्मिनल को एन साइड से जोड़ा गया है ना। तो ऐसी कंडीशन में इस तरह के जो कनेक्शन होते हैं, इस कनेक्शन में इस सर्किट में कोई धारा नहीं बहती है। इस डायोड के एक्रॉस यदि आप करेंट मेजर करेंगे तो इसका मान आपको 0 एम्पियर मिलेगा। तो इस तरह का कनेक्शन जो है इसे हम लोग कहते हैं रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं रिवर्स बायसिंग। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बैटरी के टर्मिनल एक तरह से आप कह सकते हैं कि उल्टे लगे हुए हैं। ठीक है, अब दूसरा जो कनेक्शन है हमारा ये वाला, जहां पर हमने क्या किया हुआ है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन साइड से या इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी वाले साइड से जोड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में इस डायोड में से एक नेट करंट फ्लो होता है, यहाँ पर करंट की एक डेफिनेट वैल्यू यहाँ से फ्लो होती है। ठीक है, तो इस तरह का जो कनेक्शन होता है, इस तरह के कनेक्शन को या बायसिंग को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक बहुत ही आसान थे, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट थे। केवल बायसिंग का मतलब होता है केवल कनेक्शन करना। ठीक है, कनेक्शन करना बायसिंग का मतलब होता है। और डायोड में हम उसके कनेक्शन दो तरह से करते हैं, कर सकते हैं, रिवर्स बायसिंग जिसमें कि करंट का मान जीरो हो जाता है सर्किट में, आप जो है इसमें बैटरी का वोल्टेज जो है इसके अनुसार करंट फ्लो नहीं होती। ठीक है, ये कुछ करंट को ये फ्लो जो कुछ वोल्टेज तक ये डायोड जो है करंट के फ्लो को रोक सकता है। ठीक है, तो इस तरह के कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। और दूसरी कंडीशन है जिस कंडीशन में कि बैटरी के प्लस टर्मिनल को पी साइड से तथा नेगेटिव टर्मिनल को एन साइड से जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर इस डायोड में करंट का फ्लो होने लगता है। इस कनेक्शन को हम लोग नाम देते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार की बायसिंग के बारे में आप लोग याद रखें। चलिए अब मैं आपको थोड़ा, अब हम यहाँ पर अब चलिए हम आपको दूसरी चीज यहाँ पर बताते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बता देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा भी मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाना थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा रहेगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना, जबकि फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो हो रहा है। तो इसको भी थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। बाकी ये अभी जितना मैंने अभी समझाया है उतना तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए आप कि आखिर रिवर्स बायसिंग क्या होता है और फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ये जरूर आप याद रख लीजिएगा। अब इससे आगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वह थोड़ा बायसिंग में ही और डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो वह आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी फायदा पहुँचाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि आपके फॉरवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग में से क्या होता है कि डायोड में करंट जो है वह एक डायरेक्शन में तो फ्लो करता है, लेकिन वहीं यदि हम उसे विपरीत डायरेक्शन में लगा दें तो करंट फ्लो बंद हो जाता है। चलिए इस बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये जो स्क्रीन पर अभी आप लोगों को दिख रहा है कि हमने एक पीएन जंक्शन डायोड बनाया है,
यहाँ पर एक तरफ है पी टाइप मटेरियल और एक तरफ है एन टाइप मटेरियल, ठीक है। तो जो पी टाइप मटेरियल है यहाँ पर होल्स की अधिकता है और जो एन टाइप मटेरियल है यहाँ एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। जो सॉलिड बनाए हैं हमने वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो हालो दिख रहे हैं आपको सर्कल्स या होल्स हैं, ठीक है। ये कन्वेंशन आप लोग ध्यान रखिएगा, अब यहाँ बार बार हम लिखेंगे नहीं क्योंकि सर्किट जो है वह डायग्राम जो है वह काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाता है, समझना उसको कठिन हो जाता है, ठीक ठीक है। चलिए तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले रिवर्स बायस को समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं और पी साइड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ रहे हैं, ये आप लोग समझ चुके हैं, ये रिवर्स जो है रिवर्स बायसिंग कहलाता है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिवर्स बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग में क्या होगा कि यहाँ पर बीच में तो पोटेंशियल बैरियर है, तो पोटेंशियल बैरियर होने के कारण नॉर्मली इस जो पीएन जंक्शन में जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब इस पीएन जंक्शन को क्रॉस करके क्रिया नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने ये पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा तो नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल एक तरह से यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होते होते क्या होगा, ये यहाँ आकर के जो है इलेक्ट्रॉन्स इस बैटरी से स्टार्ट होंगे और ये क्या करेंगे, यहाँ जो होल्स हैं है ना, ये होल्स में यहाँ ट्रेवल करना चालू कर देंगे, इस इलेक्ट्रॉन होल ये रिक्त स्थान को खाली करेंगे, इस रिक्त स्थान से होते हुए आगे जाएंगे, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस बैरियर पोटेंशियल के पास तक पहुँच जाएंगे ट्रेवल करते हुए। तो चलिए अब हम लोग मान लेते हैं कि क्या हुआ यहाँ पर, जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया है ना, स्टार्टिंग में मान लीजिए केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आया तो ये आते आते यहाँ पर पहुँच गया है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इस होल से क्रिया कर लेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इस परमाणु में एक नेगेटिव आवेश आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होल्स जो है, होल्स बेसिकली हमने केवल समझने के लिए इसको पॉजिटिव माना है, जबकि होल्स आप सब जानते हैं कि वहां पर कुछ भी नहीं होता है, वो केवल एक रिक्त स्थान होता है ना। तो क्या होगा कि जब ये होल इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है इस आयन को मिलेगा, इस परमाणु को मिलेगा, तो ये परमाणु क्या होगा, ये नेगेटिव आवेशित हो जाएगा, है ना, ये नेगेटिव आवेशित हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आपको पता है कि जो बैरियर पोटेंशियल होता है, ये बैरियर रीजन में भी केवल आयंस ही होते हैं, है ना, यहाँ पर भी केवल आयंस ही होते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पर क्या हुआ, परिणाम स्वरूप यहाँ एक आयन बन गया, फिर इसी तरह से और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो यहाँ पर आयन को बन जो है आयन बनाते जाएंगे, है ना, ठीक है। तो इस तरह से जब यहाँ पर एक आयन आ गया, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना, तो इसी तरह से क्या होता है, जो दूसरा साइड है, दूसरी साइड में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन डिसॉल्व हो रहा है तो दूसरी तरफ से यहाँ से क्या होता है, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से निकलता है तो क्या होता है, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है ना। जब इलेक्ट्रॉन जो है कहीं ना कहीं से तो आएंगे, इलेक्ट्रॉन अपने आप से तो जनरेट हो नहीं रहे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये जो प्लेट है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस पॉजिटिव प्लेट से आकर्षित होकर के यहाँ से निकलना प्रारंभ कर देंगे, है ना। और जब ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना चालू कर दिए तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चूंकि यहाँ पर प्लेट से पॉजिटिव प्लेट से बैटरी के आकर्षित हो रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन आकर्षित होंगे तो उनके स्थान पर यहाँ पर क्या बचेगा, उनके स्थान पर यहाँ पर केवल एक आयन बचेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन चले गया है ना, अब मैंने बताया था कि नॉर्मली क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि चूंकि इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इलेक्ट्रॉन जब किसी परमाणु में से चला जाता है तो उस पर कौन सा आवेश आ जाता है, उस पर एक नेट पॉजिटिव आवेश आ जाता है, ये जो है आयन बन जाता है, ठीक है।
अभी बस आप जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा सुनते जाइए तो आपके सारे फंडे जो हैं वह क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक नेट आवेश उत्पन्न हो जाएगा। देखिए कुछ समय बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद यहाँ पर कुछ समय बाद जो बैटरी का पोटेंशियल हम लोग लगा रहे हैं, बैटरी से जो पोटेंशियल लगा रहे हैं, और ये जो पीएन जंक्शन यहाँ देखिए बढ़ता चला जा रहा है। अभी ये रीजन जो है इसकी लंबाई यहाँ तक थी, अब धीरे से क्या हुआ जैसे ही हमने बैटरी से जोड़ा तो इसकी लंबाई जो है क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। और एक ऐसी स्थिति आती है कि जब बैटरी का पोटेंशियल ठीक है जो है वो इसमें इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है, यहाँ जो बैरियर पोटेंशियल उत्पन्न होता है इसमें और बैटरी के पोटेंशियल में एक इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है, और इस कारण से क्या होगा कि अब जो फर्दर जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और ये जो होल्स हैं इनकी क्रिया जो है, या जो आयन से धनायन और ऋणायन इनके बनने की क्रिया जो है वह रुक जाती है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मली इसमें से जो विद्युत धारा है वह बिल्कुल फ्लो नहीं होती। ये बहुत ही एक क्षण मात्र के लिए, बहुत ही इंस्टेंटेनियसली असली, केवल जैसे ही हम डायोड को जोड़ते हैं एक बहुत छोटे से अंतराल के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए ही यहाँ पर करंट फ्लो होती, कुछ मिली सेकंड्स के लिए, जिसको हम बिल्कुल समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है, महसूस ही नहीं कर पाते। इतनी कम समय के लिए यहाँ पर करंट फ्लो होती है, उसके बाद ये करंट स्टॉप हो जाती है, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसा आइडियल कंडीशन में आप लोग मान सकते हैं कि आइडियल कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। लेकिन देखिए मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें फिर भी बहुत स्मॉल करंट जो है फ्लो होती है, लेकिन उसे जो वह करंट इतनी कम होती है कि उससे आप कोई यूजफुल डिवाइस जो में जो है काम में नहीं ले सकते, है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होती। लेकिन आप लोग इस चीज को अंडर करें कि वास्तविकता में वहां पर बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो होता है, और वो क्यों फ्लो होता है, देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आयन बने हुए हैं, है ना, आयन बने हुए हैं, लेकिन क्या होगा कि क्योंकि दोनों तरफ हम लोग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, है ना, ये एम्बियंट टेम्परेचर के कारण क्या होगा कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये जो आयन बन चुके हैं यहाँ पर ऋण आयन, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मुक्त हो सकते हैं हीट वगैरह पा करके, है ना। यहाँ जो धन जो यहाँ होल बन चुके हैं ये कुछ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ के जो मुक्त हो रहे हैं उनको ग्रहण कर सकता है ना। तो इस तरह से लगातार जो है यहाँ पर होल्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल्स बनने की जो प्रक्रिया होती है वो लगातार जारी रहती है, और ये होल्स और इलेक्ट्रॉन के ही जो है इस सर्किट में लगातार विपरीत दिशा में करंट का फ्लो करते रहते हैं। नॉर्मली जो धारा फ्लो होती है, जो नॉर्मली जो प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो होती है उसकी विपरीत दिशा में ये करंट फ्लो होती है, जो जिसको हम बोलते हैं रिवर्स सेचुरेशन करंट, ठीक है, इसे हम बोलते हैं रिवर्स करंट, ठीक है, या लीकेज करंट। रिवर्स सेचुरेशन करंट या लीकेज करंट, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे हम रिवर्स करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम इसका रिवर्स बायसिंग कर रहे हैं डायोड को, तो रिवर्स बायसिंग करने की स्थिति में यहाँ पर एक करंट फ्लो होती है बहुत ही स्मॉल में, बहुत ही मतलब ये मान के चलिए माइक्रो एम्पियर की रेंज में यहाँ पर करंट फ्लो होती है, और इस करंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसे हम लोग नाम देते हैं रिवर्स करंट, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखें रिवर्स करंट क्या होता है, और आप इस आपके लिए टास्क रहेगी कि आप नीचे कमेंट में कल देख करके बताएंगे कि इस रिवर्स करंट का मान जो है एक सिलिकॉन डायोड और जर्मेनियम डायोड के लिए कितना होगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख करके बताएंगे, ये आपकी टास्क है कल के लिए, अभी आप जो है नेक्स्ट टॉपिक पर ध्यान दें। तो चलिए अभी हम लोगों ने समझ लिया है कि रिवर्स कंडीशन में रिवर्स बायसिंग क्या होती है, और रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो क्यों नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोग देखते हैं
कि फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में अब हम लोग देखेंगे कि फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में आखिर इसमें से करंट किस तरह से फ्लो होती है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में डायोड में से करंट क्यों फ्लो होती है, चलिए अब हम समझ लेते हैं। पहले ये डायग्राम बना लिया हमने, यहाँ पर एक तरफ पी टाइप मटेरियल, एक तरफ एन टाइप मटेरियल। इसमें जल्दी से टर्मिनल्स जोड़ देते हैं, ये दो टर्मिनल जुड़ गए। ठीक है, फिर इसके अलावा एक टर्मिनल अन्य साइड पर, यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीएन डायोड। अब इस डायोड में हमने क्या किया, हमने बताया था फॉरवर्ड बायस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हैं, पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव साइड से जोड़ रहे हैं, एन टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव साइड से जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये पॉजिटिव आवेश हैं, है ना, ये पॉजिटिव आवेश हैं। इस तरफ देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है बैरियर पोटेंशियल है, यह डिप्लेशन रीजन है और डिप्रेशन रीजन होने के का डिप्लेशन रीजन में क्या होता है, डिप्लेशन रीजन के अक्रॉस बैरियर पोटेंशियल लगता है, यानी कि वहां पोटेंशियल होता है जो करंट का फ्लो का विरोध करता है, या वो पोटेंशियल है जो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन्स को होल से मिलने से रोकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हम लोग पॉजिटिव प्लेट लगाते हैं तो पॉजिटिव आवेश होने के कारण क्या होता है, इस प्लेट पर जो होल्स है यहाँ पर, ये जो होल्स हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जैसे हमने पी साइड को प्लस वाली जो बैटरी का टर्मिनल है इसको हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के क्रॉस जोड़ दिया, तो क्या होगा कि जो होल हैं, है ना, होल जो हैं, इन होल्स पर क्या होगा, एक प्रकार का यहाँ पर प्रतिकर्षण लगेगा, है ना, प्रतिकर्षण लगेगा क्योंकि ये भी धनात्मक आवेशित है, है ना, और यहाँ पर भी धनावेश है, होल्स को हम लोग क्या मानते हैं, धनावेश मानते हैं, है ना। तो इसकी प्रक्रिया को समझने के लिए आप ये ध्यान रखें कि होल्स को आपको धनावेश मानना है, ठीक है, क्योंकि वास्तव में केवल इलेक्ट्रॉन का ही इसमें फ्लो हो रहा है ना, लेकिन अगर इसकी प्रक्रिया आपको समझना है तो आपको होल्स को धनावेश मानना पड़ेगा, वास्तव में यहाँ पर ये रिक्ति है। ठीक है, तो आप लोग जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ वो समझिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हम लोग इस प्लस साइड को पी टाइप मटेरियल से जोड़ते हैं तो ये जो होल्स हैं इन पर क्या होगा, एक तरह से रिपेलिंग फोर्स लगेगा, है ना, इस बैटरी के पॉजिटिव प्लेट के कारण क्या होगा, इन पर एक फोर्स लगेगा विकर्षण का, प्रतिकर्षण का, क्योंकि हमको पता है कि समान आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये क्या करेंगे, आपस में कोलाइड होंगे, है ना, आपस में कोलाइड होंगे या फ्लो करेंगे, और फ्लो करने के बाद ये इतनी एनर्जी गेन कर लेंगे कि ये यहाँ से जा करके और इस बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करके और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही ये होल की क्रिया होगी, है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो क्या होगा, यहाँ पर एक होल की कमी होगी, है ना, यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या होगा, ये जो बैटरी है नेगेटिव टर्मिनल, इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहते हुए आएंगे और यहाँ पर जो कमी हो रही है उसकी यहाँ पर जो है पूर्ति करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरफ से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई हो रही है और यहाँ पर ये होल्स और जो इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो इस तरह से क्या होगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो हम क्या कहते हैं कि विद्युत धारा की डायरेक्शन किस दिशा में मानी जाती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की विपरीत दिशा में, यानी कि इस डायरेक्शन में
जो होल्स के फ्लो की डायरेक्शन है उसको आप इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन, उसको आप करंट के फ्लो की डायरेक्शन बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, पी साइड से एन साइड की ओर, ठीक है। इस डायरेक्शन में एक करंट का फ्लो हो रहा है, एक नेट करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा किसमें किस तरह से करंट फ्लो होती है। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, आज केवल दो ही टॉपिक हम लोग समझते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए आज मैंने आपको बताया कि रिवर्स बायसिंग क्या होता है और फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, ठीक है। अब कल हम लोग देखेंगे कि डायोड की कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से बनाई जाती है, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, यानी उसके अभिलाक्षणिक वक्र क्या होता है, और किस तरह से बनाया जाता है, यह कल हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं भी जोड़ेंगे हम लोग, क्योंकि आज जो है अगर मैं अभिलाक्षणिक वक्र को यदि शुरू करूंगा तो जो लेक्चर है वो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। जो इसीलिए हम लोग डायोड के कैरेक्टरिस्टिक वाला जो लेक्चर है उसको सेपरेटली जो है अलग से समझेंगे, थोड़ा ये बड़ा हो सकता है ऐसा मुझे लगता है, तो इसीलिए जो है इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो कल इससे रिलेटेड विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं और जो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है, जो डायोड के कुछ डायोड से संबंधित और परिभाषाएं हैं, कुछ उससे रिलेटेड और अवधारणाएं हैं, वह भी आपको कल समझ में आएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर 9 PM पर।